गंगा जमुनी की तहजीब और महापुरुषों की विचारधारा। अब मैं यही चीज अगर पूछ दूं कि क्या देश की आज़ादी की लड़ाई में, चाहे देश की शांति व्यवस्था में, इस देश में मुसलमानों का हाथ नहीं रहा है? अशफाकुल्ला कौन थे? देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने पूर्ण रूप से संघर्ष किया। बॉर्डर के लिए अपने प्राण की आहुति देने वाले अब्दुल हमीद थे, वो भी लड़ाई पाकिस्तान से थी जी, लेकिन अपने प्राण की आहुति उन्होंने भारत की रक्षा के लिए दे दिया। तो ये चीज बीजेपी वाले नहीं कहेंगे, ये सब नहीं कहेंगे। वो केवल वो बात कहते हैं जिससे देश में दंगा फैले। आज कोई नई बात नहीं है, जब इस देश में 88-89 में जनता दल की सरकार बनी जी, और उस समय मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने जी, और ये सरकार मंडल कमीशन के मुद्दे पर आई जी, इस देश में 52% ओबीसी समाज के हक और अधिकार की बात चली कि आखिर इतनी बड़ी आबादी इनकी है जी, तो अधिकार वंचित समाज क्यों है जी। तो जब यहाँ मंडल की बात शुरू हुई तो इनको तुरंत मंदिर का मुद्दा सता दिया जी। जब यहाँ अधिकार की बात, पिछड़े समाज के SC ST OBC के अधिकार का मामला खड़ा हुआ, तब इनको मंदिर की नशा चढ़ गई। अब कहते हैं कि राम भक्तों पर मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिया जी। मरने वाले कौन लोग थे उसमें? ओबीसी समाज के। एक भी ब्राह्मण की हत्या नहीं हुई उसमें, एक भी ब्राह्मण नहीं मरा। लेकिन जब राम का मंदिर बना तो एक भी ओबीसी को उस ट्रस्ट में नहीं रखा गया। सर, मुलायम सिंह कार सेवकों पर जब गोली चलाई थी तो उनको सजा क्यों नहीं हुई? मुलायम सिंह यादव जी देश के कानून और संविधान के नियमों का पालन किया है। मुलायम सिंह नहीं, कोई रहता। उसके बाद जब मस्जिद गिरी, बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद होती है जी, तो उस समय कितना बड़ा नाटक शुरू हुआ जानते हैं? पूरे कार सेवकों को, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पूरे कार सेवकों को उन्होंने अयोध्या में बुला लिया और अयोध्या में बुला करके कहे कि मैं जब तक हूँ तब तक देश के कानून और संविधान के नियम का पालन करूँगा और मस्जिद की रक्षा करूँगा, क्योंकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और जब कार सेवकों को बुला लिए, मस्जिद पर हमला होता है, तब यहाँ से चिट्ठी लिख करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, बीपी नरसिम्हा राव जी उसमें प्रधानमंत्री थे जी, कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ अपने पद से और अब आप इसको नियंत्रण में करिए। जब मस्जिद पर हमला हुआ, मस्जिद गिरने लगी, मैं ये कह रहा हूँ सर, कहीं ना कहीं यही हमारा देश आज तक नहीं समझ पाया कि मंदिर और मस्जिद से भोजन मिलता है, कि पढ़ाई से, विकास से, कर्मों से भोजन मिलता है। मंदिर मस्जिद क्यों बनाए जाते? हम ये कह रहे हैं कि मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ से नमाज अदा होती है, एक पवित्र स्थान माना जाता है। मंदिर एक ऐसा जगह है जहाँ पूजा पाठ होता है, यही ना होता है दोनों जगह? यही होता है। तो मस्जिद में जो लोग नहीं जा पाते हैं वो कहीं पूजा कर लेते हैं, कहीं नमाज अदा कर लेते हैं। जो लोग मंदिर में नहीं जाते वो घर में ही पूजा कर लेते हैं, और कहीं रास्ते में भी कहीं जाते हैं तो एक बार स्मरण कर लेते हैं। आस्था हो गई पूरा ना जी। तो जब ये आस्था कहीं पूरा हो सकती है तो उसके लिए लड़ाई क्यों होती है? और वही लड़ाई जहां 52% के अधिकार की बात चल रही थी, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है तो ओबीसी समाज को महज 27% ही मिल पाया। और आज भी देश के बड़ी आबादी वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इस देश में ओबीसी SC ST को 15%, सांसद राम गोपाल जी ने इस बात को सदन भी उठाया था जी, कि इस देश में 85% वालों को 49% अधिकार है जी, और इस देश में 15% वालों को 50%। क्या न्याय संगत है? ये न्याय संगत है कि जिस तरफ एक तरफ 100 करोड़ लोग हैं, एक तरफ 15 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोगों को
50 रोटी दिया जाए और 15 करोड़ लोगों को 60 रोटी दिया जाए। एक तरफ 60 रोटी इतनी कम आबादी में, एक तरफ 50 रोटी 4 गुना आबादी में, ये न्याय संगत है? लेकिन इस देश की जनता को इससे मतलब नहीं है। देश की जनता केवल धर्म और मजहब में बिरादरी में उलझी है और अधिकार वंचित होने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण इस देश के आवाम का, पिछड़े समाज का यही है। और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, सिर्फ मेरी लड़ाई एक बिंदु पर है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, किसी जात के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जात धर्म मजहब लोगों को अधिकार वंचित रखा है और जात धर्म मजहब पैदा करने वाले उसका पूरा खुल करके लाभ ले रहे हैं और ढोने वाले वो धूर फांक रहे हैं। धूर फांकना उनको मंजूर है लेकिन अधिकार लेना उनको मंजूर नहीं है। अब जैसे हमारे लोगों में ओबीसी समाज में आदमी अधिकार नहीं तलाश रहा है, वो अपना वंशज तलाश रहा है। हम किस वंशज से हैं, हम किस कुल से हैं? अरे भैया तुम किसी कुल से हो लेकिन अधिकार वंचित क्यों हो, पहले ये देखो। और जो लोग सबका अधिकार बैठ के खा रहे हैं वो कभी अपना वंशज नहीं तलाशते, वो सबको जानते हैं। वो जानते हैं कि हम किसी वंशज से हैं, हमें नौकरी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो अपने मन को टारगेट वहीं तक करते हैं। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरे भारत के आवाम से, किसी भी धर्म समुदाय के लोग हैं, मैं सबसे एक अपील करूँगा कि देश में शांति बनाए और हर चीज़ को शांतिपूर्ण रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से हर चीज़ का निदान करें। देश को तोड़ने से, देश को जलाने से और देश में हिंसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। और देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर रखना पड़ेगा। बस आखिरी सवाल यही मेरा है। सादर जय भीम।